हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भाग्य की विडंबना तो देखो, जिस कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया, वही कंस ये नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। चुनांचे समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा। द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनमें सबसे शक्तिशाली दैत्य मथुरा का राजकुमार कंस था, जो धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे, यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा जो कंस की पूजा करेगा। उन सब के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कंस आदि असुरों का नाश करने के लिए धरती पर भगवान की अवतार लेने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया है। परीक्षित, भाग्य की विडंबना तो देखो, जिस कंस का विनाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेने का वचन दिया, वही कंस ये नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसी की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। चुनांचे समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह एक यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। किंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अन्तरिक्षरारिजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगवनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवा। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं बेटी। जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। माँ, माँ मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी,
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तो मैं इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जो नारी आदर्श की सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना, इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो। बेटी आयुष्मान भव, कुमार आज तक ही हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपत्काल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो कुमार वसुदेव। देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार,
तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं, तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मार डालेगा? देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की आठवीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी आठवीं संतान। कर रहे हैं बड़े भैया? यह आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है।
मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्योछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है, उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं, भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा तो मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूँ कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी, और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृष्णिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगी? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है, इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे विष्णु वंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेनानायक जी, राजकुमार, इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है।